लोकसभा चुनाव 2024 सर पर हैं और सभी राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों के नाम ऐलान कर रहे हैं। इन दलों में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कई दलों ने अपनी पकड़ वाले क्षेत्रों में प्रत्याशी उतार दिए हैं, जिनमें से मध्य प्रदेश के इन दलों के ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां से ये दल भाजपा और कांग्रेस को कांटे की टक्कर देंगे। सबसे पहले जानते हैं कि प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के अलावा कौन से प्रमुख दल हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी, जय आदिवासी युवा संगठन, समाजवादी पार्टी जैसे प्रमुख संगठन हैं। इन सभी पार्टियों के अपने अपने क्षेत्र हैं जहां इनकी पकड़ काफी ज्यादा मजबूत है और जहां से भाजपा और कांग्रेस को ये सभी दल मात दे सकते हैं। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहाँ से पार्टियां मजबूत है। सबसे पहले बात करते हैं बसपा की, तो बहुजन समाज पार्टी ने 7 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, जिनमें खजुराहो से कमलेश पटेल, छिंदवाड़ा से उमाकांत बंदेवार, मंडला से इंदर सिंह उइके, सीधी से पूजन राम साकेत, बैतूल से अशोक भलावी और कन्हैया लाल मालवीय को मंदसौर से टिकट दिया है। इनमें एक और नाम शामिल है नारायण त्रिपाठी का, जिनको पार्टी ने सतना से टिकट दिया है और इन सभी सीटों में सतना की एक ऐसी सीट होगी जहां से मुकाबला कांटे की टक्कर का होगा, क्योंकि नारायण त्रिपाठी बीजेपी के बागी नेता हैं और विधायक भी रह चुके हैं, जिसके कारण खुद भाजपा को इनके उतरने पर बड़ा नुकसान हो सकता है। अगली पार्टी है जयस, यानी कि जय आदिवासी युवा संगठन, जो मालवा निमाड़ की 3 सीटों पर, धार, रतलाम, झाबुआ और खरगोन बड़वानी पर फोकस किया जा रहा है। बैतूल लोकसभा पर भी तैयारी की जा रही है। योजना यह है कि प्रत्याशी का नाम आखिर में घोषित किया जाएगा ताकि भाजपा और कांग्रेस से जिन्हें टिकट ना दिया जाए वो इस पार्टी से चुनाव बाद में लड़ सके। इस बार बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए जयस यानी कि जय आदिवासी संगठन बड़ी चुनौती बन सकता है। संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों में जयस का अच्छा खासा दबदबा है। बीते लोकसभा में जीत का अंतर महज 1 लाख के अंदर ही था, ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबले में जयस जीते ना जीते लेकिन बीजेपी और कांग्रेस को पटकनी जरूर दे सकता है। अब आते हैं अगली पार्टी यानी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ओर। पार्टी ने अब तक 10 उम्मीदवारों को उतारा है। इन सभी सीटों में मंडला, शहडोल, सीधी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, रीवा, दमोह, खंडवा, सागर, जबलपुर जैसी सीटें शामिल हैं। इन सभी सीटों में से सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला होगा कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में, क्योंकि यहां से जीजीपी ने नकुलनाथ के खिलाफ देवरावेन भलावी को चुनाव में उतारा है, जिसके बाद में वहां पर भी अब त्रिकोणीय चुनाव देखने को मिलेगा। साथ ही सीधी से भी ऐसा ही रोचक मुकाबला देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यहां भाजपा के बागी नेता अजय प्रताप सिंह जीजीपी से चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद में भाजपा के लिए यहां पर बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वहीं अगर बात करें भारत आदिवासी पार्टी की, तो विधानसभा में इकलौते इस पार्टी के निर्दलीय नेता कमलेश्वर डोडियार विधानसभा में जीत पाए थे, जिसे साफ होता है कि पार्टी लोकसभा में भी कुछ बड़ा कर सकती है। मध्य प्रदेश में रतलाम, धार, शहडोल सहित 2 अन्य सीटों पर भारत आदिवासी पार्टी ने चुनाव लड़ने की बात कही है। वहीं समाजवादी पार्टी की अब तक मध्य प्रदेश से लोकसभा के लिए कोई भी सूची जारी नहीं हुई है, लेकिन हाल ही में अखिलेश यादव के साथ अभिषेक बच्चन के फोटोज सामने आए थे और तभी से ऐसा माना जा रहा था कि खजुराहो से सपा अभिनेता जूनियर बच्चन यानी अभिषेक बच्चन को उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि आपको बता दें कि इसे लेकर के अभी कोई भी खबर सामने नहीं आई है, लेकिन इतना तो हम साफ कह सकते हैं कि ये सभी निर्दलीय दल मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनाव के दौरान भाजपा और कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।